हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम इस हफ्ते के बेस्ट कमेंट के लिए बुशरा अंसार जी का नाम घोषित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक इसी तरह हमारे कमेंट सेक्शन में बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट देते रहेंगे। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार अपोजिट क्लब टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार। F3 Ambiance Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambiance Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उमदा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambiance Mall पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambiance Mall। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुलवामा में हमारे 40 शहीदों की याद में जंगली घाट के कुछ युवाओं ने अपने यूथ क्लब्स की ओर से एक शांतिपूर्ण पद यात्रा मोमबत्तियां जलाकर निकाली। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यह छोटी सी युवाओं की टोली फिश लैंडिंग सेंटर से जंगली घाट ग्राउंड तक निकली, मगर पूरे रास्ते भर इस छोटी सी टोली को जनता का बहुत सम्मान मिला। नेहरू युवा केंद्र के मेंबर्स भी इस पद यात्रा में शामिल हुए और अंत में सबको संबोधित भी किए। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम इन नौजवानों को सलाम करती है जिन्होंने पुलवामा के 40 जवानों को हम सबके दिल में जगाए रखा। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे पूरी दुनिया में, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। लेकिन वहीं हमारे देश में आज ही के दिन था जब पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे कई जवान इसमें शहीद हो गए थे देश की रक्षा करते करते। उन्हीं की याद में हमारे जंगली घाट के फिशिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों ने जंगली घाट के फिश लैंडिंग सेंटर से लेकर जंगली घाट स्कूल तक एक कैंडल मार्च पद यात्रा निकाला, उनको इज्जत देने, उन्हें सम्मान देने, उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं मानता हूँ कि ये टुकड़ी बहुत छोटी है, चंद लोग इसमें शामिल है, मगर हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ने जब इनके जज्बे को देखा कि किस तरीके से वो जो है हमारे देश के जवानों के सम्मान में उनको इज्जत देने के लिए चंद नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन देश प्रेम अपना इस प्रकार प्रकट करेंगे कि वे उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर के जो कुछ नौजवान हैं इन लोगों ने एक कैंडल मार्च यात्रा निकाला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीद जवान हमारे, शहीद जवान हमारे, शहीद जवान हमारे, भारत माता के जय, 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 भारत माता के जय। वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय,
अपने देश के जवान जो आज के दिन शहीद हुए थे उनको तो इज्जत देते ही हैं, उनको सम्मान करते हैं, साथ में हम इन नौजवानों को भी काफ़ी सम्मान देते हैं जिन्होंने उनकी याद में आज एक कैंडल मार्च यात्रा निकाला। चलिए अभी हम इस कैंडल मार्च से जुड़े लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि काफ़ी कम लोग हैं, मगर इन कम लोगों में भी जो जज्बा है अपने देश के शहीदों के लिए, उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि इन चंद लोगों ने उनकी याद में, उन शहीदों की याद में, जब पूरी दुनिया आज वैलेंटाइंस डे मना रही है, ये नौजवान अपने घर से निकले और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, आज के दिन को याद रखने के लिए, ताकि हर देशवासी के दिल में देश प्रेम की भावना हमेशा बनी रहे और बढ़े चढ़े, उसके लिए इन लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला। सलाम करते हैं इनके जज्बे को। चलिए इसी मार्च से जुड़े हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम चलिए नेहरू युवा केंद्र के श्री गोपाल चंद्र विश्वास जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं हमारे दर्शकों को आज के दिन को लेकर उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का दिन ही बहुत ही हमारे लिए दुखद है। 40 जवान को पुलवामा अटैक में मारा गया था आतंकवादी के कारण, तो आज के दिन हमारे जो जवान के जो भारत के जो लॉस हुआ, इस अवसर पर हमारा अंडमान हेल्पिंग हैंड्स एंड अलू अर्जुन आर्मी अंडमान मिलकर एक रैली निकाले है उनको 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि हमारा देश के नौजवान जो शहीद हुए जवानों को हमेशा याद रखे और हमेशा एक प्रेरणा मिलते रहे कि समाज में युवा वर्ग देशवासी उनका हमेशा साथ रहे है और साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए और इतनी प्रेरणादायक बातें बताने के लिए। जैसा कि अभी गोपाल सर ने कहा कि ये मार्च से बेशक और कुछ ना हो, मगर इतना ज़रूर होगा कि हमारे सरहद में जो नौजवान हैं तैनात है वहाँ पे हमारी देश की सुरक्षा के लिए, उनको ये भावना ज़रूर पैदा होगी कि हमारे देश में लोग उनको हमेशा याद करते हैं। अभी हम एक और यूथ क्लब के मेंबर श्री सुधाकर जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है आज के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के दिन बहुत दुख भरी दिन है। 40 जवानों जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे, जो ह्यूमन बॉम्ब की वजह से मारे गए थे, तो उन लोग के लिए हम लोग ये मार्च शुरू कर रहे हैं आज। मतलब ये दिखाने के लिए कि ताकि आज का दिन हम मतलब उनको इतना याद कर रहे हैं, जवानों लोग हमारे लिए जान दिए, उन लोग के लिए कुछ तो करना चाहिए हम लोगों। तो हम लोग सारा क्लब्स मिला के सब ये मार्च पास शुरू करें आज। थैंक यू सब बात करने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद जवान हमारे। शहीद जवान हमारे। शहीद जवान हमारे। हम उम्मीद करते हैं कि यही जज्बा हमारे पूरे द्वीपवासियों के अंदर भी बनी रहे। पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनको हर साल याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब हमेशा प्रार्थना भी करें। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं यामी, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। एक बार फिर अंत में हम जंगली घाट के यूथ क्लब के इन नौजवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने आज के दिन को हमारे शहीदों और सेना के सम्मान में यह पद यात्रा की। भारत माता की जय। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस खंड से विदा लेती हूँ। नमस्कार।